हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द ब्यूटी केयर में और उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। ये उन बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए दोनों है। स्पेशल ये है कि जो बॉयज़ होते हैं ये भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो है हेयर फॉल के बारे में। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, चाहे गर्ल्स हों या बॉयज़, या फिर डैंड्रफ काफ़ी हो रहा है, आपका जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत स्लो है, आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद हो रहे हैं, नेचुरल शेड नहीं आ रहा है, तो आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आगे भी आपको मेरी जो भी ब्यूटी केयर से रिलेटेड वीडियोस हैं वो देखने को मिल जाएंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो काफ़ी सारे स्पेशली जो बॉयज़ हैं उनका जो हेयर फॉल है वो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से परेशान रहते हैं। कई बॉयज़ हैं जो फ्रेंड्स में हैं, उन लोगों ने पूछा था कि जो हमारा इतना हेयर फॉल होता है उसका सॉल्यूशन क्या है। तो आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए है। जो बॉयज़ होते हैं उनका जो हेयर ग्रोथ होता है या हेयर फॉल होता है एक एज में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और गर्ल्स में भी होता है ऐसा कि आपकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो है। ऐसे में अगर आप बाहर के प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं तो उनका इतना इफेक्ट पॉजिटिव नहीं होता है जितना आप घर के इंग्रेडिएंट से अपने बालों को नेचुरल तरीके से बढ़ा सकते हैं, घने कर सकते हैं, और जो आपके स्काल्प हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो आज ऐसा ही एक सीरम बोल लीजिए या ऑयल बोल लीजिए, हम वो बनाएंगे जिसे अगर आप रात को सोने से पहले अप्लाई करते हैं तो और अगले दिन वॉश कर लेते हैं, तो इससे अगर आप हफ्ते में दो बार भी ऐसा रूटीन रखते हैं तो आप 1 मंथ या 1.5 मंथ में इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं वो ज़रूर देखेंगे। क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं अनियन का जो ऑयल होता है, अनियन हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे मार्केट प्रोडक्ट हैं जो अनियन को बेस लेके और काफ़ी सारे ऑयल्स हैं जिन्हें बेचते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स हैं हमारी, जो नेचुरल तरीके से अगर आप प्याज का जो रस है उसको बालों पे अप्लाई करते हैं तो उसके जो रिज़ल्ट होने वाले हैं वो उन प्रोडक्ट से काफ़ी बेहतर होंगे और काफ़ी जल्दी आपको फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए फटाफट से अनियन का जो जूस है वो बना लेते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक अनियन, घर में बहुत आराम से इजीली मिल जाएगा आपको। तो जो अनियन है हम इसे फटाफट से छील लेते हैं और इसके बाद हम इसका जो जूस है उसे निकाल लेते हैं। जो प्याज होता है ये हमारे बाल होते हैं जो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसे जड़ों में लगाते हैं हफ्ते में दो बार तो आपकी जो स्काल्प हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और इसी के साथ साथ जो वाइट हेयर्स हैं उनका प्रॉब्लम भी काफ़ी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसका फटाफट से जूस निकाल लेते हैं। आप चाहें तो ग्राइंड कर सकते हैं पर हम यहाँ पे इसको कद्दूकस कर लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो अनियन का जूस है ये हमने निकाल लिया है पूरा इस तरीके से बाउल में। अब हम इसे क्या करेंगे, किसी भी छन्नी की मदद से इसको छान के इसका जितना भी जूस है हमें उसे अपने सर पे अप्लाई करना है। तो हम उसे फटाफट से निकाल लेते हैं। इस टाइप से हम इसका जितना भी जूस है उसे निकाल लेते हैं फटाफट से। तो अब आप देख सकते हैं जो जूस है हमने प्याज का जो जूस था उसे निकाल लिया था। अब हमें इसमें कोकोनट ऑयल मिलाना है या कोई भी तेल जो आपको सूट करता है उसे मिला लीजिए। आपको ध्यान रखना है कि जितना जूस निकला है इतनी ही मात्रा में आपको इसमें ऑयल मिलाना है। तो चलिए फटाफट से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो नारियल है उसका जूस है, मैं इसमें 2 चम्मच जो नारियल का जूस है उसे मिला देती हूँ। तो इस टाइप से दोस्तों जो नारियल का तेल था उसे मैंने प्याज का जो जूस है उसमें मिला दिया है अच्छे से, और अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चलिए अब हम इसे अप्लाई करके बताते हैं।
तो दोस्तों जो हमने ये पेस्ट बनाया है, प्याज का जो रस है वो हमने निकाल लिया है और इसमें नारियल का तेल जो है हमने उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें क्या करना है, रात को सोने से पहले लगाना है और ये वीडियो मैं रात में बना रही हूँ, तो हम फटाफट से इसे अपने जो सर है उस पर अच्छे से मसाज करके पूरा जो हमारे स्काल्प है उन तक ऑयल जाना चाहिए और उसे फटाफट से लगा के बालों को अच्छे से फोल्ड करके सो जाना है और सुबह ही अपने जो हेयर है उन्हें वॉश करना है। इससे ये होगा कि प्याज का जो रस है वो बालों में और जड़ों में अच्छे से लग जाएगा और इससे जो आपके बाल हैं उनको काफी नरिश भी मिल जाएगा और इसी के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स है स्काल्प में, जो प्रॉब्लम्स है वो भी दूर करने में इसको काफी टाइम मिल जाएगा। तो फटाफट से हम तेल को अप्लाई कर लेते हैं इसे और हम रात को लगाकर छोड़ देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो अनियन का रस था मैंने इसे पूरा जड़ों में, आपको याद रखना है कि जड़ों में अच्छे से लगाना है ताकि जो हमारी जड़ें हैं बालों के, जो स्काल्प हैं उनमें ये अच्छे से लग जाए और इसके बाद आपको किसी भी रबर बैंड से बालों को कभी भी खुले करके नहीं छोड़ना है। इससे आपके जो बाल हैं उन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, बाल खराब होते हैं, ड्राई होते हैं और जो हमारी जड़ें होती है वो भी काफ़ी डैमेज होती है। तो आपको फटाफट से पूरे जो बाल हैं इन्हें रबर से बांध लेना है इस टाइप से। और दोस्तों इस तरीके से पूरा ये जो जूस है इसे बालों में अप्लाई करने के बाद रात के लिए इसे छोड़ दें और अब जब आप सुबह मॉर्निंग में उठेंगे तो किसी भी शैम्पू से जो आप बेसिकली घर में यूज़ करते हैं उसे इसे वॉश कर लीजिए। उम्मीद है आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिलेगी और कोई भी चीज़ हो उसे सबसे पहले मैं अप्लाई करती हूँ, उसके बाद ही उसकी वीडियो बनाती हूँ और उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर वो पॉजिटिव हैं तो ही मैं उसकी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू।